हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही एक बड़ा मेकओवर करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे हाइलाइट्स जो है वो कर रही हूँ, और ओम्ब्रे हाइलाइट्स कहते हैं इसे। तो बालों में इस तरीके से सिल्वर फॉइल पेपर लगा के हाफ बालों को कवर किया जाता है। ये वॉश करते वक्त मैंने एक पिक लिया है, अच्छे से वॉश करते हैं आफ्टर 1 आवर। इसमें ब्लीच ब्लॉन्डर कहते हैं, हेयर ब्लॉन्डर, वो लगाया है विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ पे मेरे बालों को सुखाया जा रहा है, क्योंकि कलरिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये है हेयर ड्रेसर, जिन्होंने मेरा जो पिंक शर्ट में है, इन्होंने मेरा पूरा हेयर कलर जो है वो किया है, और मेरी केराटिन की ट्रीटमेंट भी इन्होंने ही करवाई थी। तो उनके पास से ही मैं हमेशा जाती हूँ। ये देखिए, कंप्लीट हो गया मेरा मेकओवर, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो हाय एवरीवन, ये देखिए जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट की थी बालों की केराटिन, तो वहाँ से ही आज मैंने इस तरीके से हेयर जो है वो कलर करवाया। सो ये है पुणे का नांदेड़ सिटी करके, और यहाँ पे मैंने ये कलर करवाया। कैसे दिख रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकदम ट्रांसफॉर्म दिख रही हूँ ना। डी मार्ट में, क्योंकि मेरा जो चार्ज है वो ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मैं चाहती हूँ मैं ग्रीन टी पी। डीमार्ट की प्राइस है 150, और अदरवाइज इसकी प्राइस 145 रुपीज़ रहती है। तो मैं ये एक ग्रीन टी ले रही हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि वर्कआउट के वक्त हमें ये कॉफ़ी पीनी पड़ती है। ये एक ले लेती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इन कलर्ड बालों के साथ, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सालों में ये कलर जो है वो किया नहीं था। मेरे पूरे पहले हमेशा बाल कलर रहते थे, और इतने ही कलर रहते थे जब मैं कॉलेज में थी। तो आज बहुत मज़ा आ रहा है, यानी वो कॉलेज के दिन जो है वो याद आ रहे हैं। और तब मेरा हमेशा हाइलाइट्स या कलर रहता ही था बालों में। तो अभी बहुत सालों बाद किया है मैंने कलर, यानी घर पे करती थी मैं थोड़ा थोड़ा टचअप, लेकिन ये इस तरीके से नहीं करती थी। ये बहुत अच्छा महसूस करवा रहा है मुझे। I like it.